थोड़ा इसको एडजस्ट करने में टाइम लगता था, क्योंकि जो पटरी है ना, पटरी की वजह से एडजस्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोग को आज ऐसी एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बना के आप लोग बहुत तेज़ी से टिकटॉक पे वायरल हो सकते हैं। दोस्तों इस वक्त टिकटॉक पे आप लोग देख रहे होंगे एक बाइक स्टंट वाला जो ट्रेल की पटरी पर बाइक चलता है धूम वाला सॉन्ग पे, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है, मैंने पूरा टिप्स बताया हुआ काइन मास्टर में, इसको आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। और आप लोग के पास अगर काइन मास्टर नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख के उसमें आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं कि काइन मास्टर बिना वाटरमार्क वाला कहाँ से डाउनलोड करें। जो इसमें जो जो मटेरियल चाहिए होगा वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग उसका हर एक आइटम आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों जाके मीडिया फायर से। उसके बाद आप लोग जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ ऐसे आप लोग भी काइन मास्टर में एडिटिंग करके उसको बना के टिकटॉक पर वायरल कर सकते हैं। मीडिया में जाएँ और आप लोग को पटरी वाला जो डाउनलोड आपने किया है लिंक से उसको आप इन पर ले आए उसको। उसके बाद दोस्तों आप लोग का ये देखिए इस तरह का चलेगा, और आप लोग इसमें ऑडियो में जाके इसको इसका फुल कर लें, बोलो 200 पे कर लें। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को फिर मीडिया में जाना होगा अपने, और इस बार आपको डाउनलोड जो PNG किया है बाइक का जो आप लोग किए हुए हैं उसका फ़ोटो आपको ले आना है, इसको पूरा फुल कर देना पड़ेगा आप लोग को स्क्रीन, इसको आप लोग पूरा फुल कर दीजिएगा लास्ट तक। वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको आप लोग थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा साइज़ के हिसाब से, और जो ये लाइट जल रहा है ना पीला वाला दोस्तों, इसके ऊपर इसको बैठा दीजिएगा पटरी के ऊपर, ठीक। कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाएगा। आपको दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं और भी सारे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। इसका डुप्लीकेट निकाल लीजिएगा, उसी पर क्लिक करके साइड में जो 3 डॉट है उसमें से, तो इसको खींच के इधर कर दीजिएगा उसी के ऊपर। आप इधर भी इमेज में भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे पीले रंग का 2 इमेज है, इसको भी आपको एडजस्ट करना होगा पहले वाले जैसा, ताकि दोनों बराबर, हल्का से ऊपर जो तीर बना है थोड़ा टेढ़ा रंग का तीर जो है टेढ़ा, उसमें क्लिक करके आप लोग को हल्का टेढ़ा कर लेना है, ताकि आप लोग का दोनों पैर जो है वो स्टाइल के साथ अपना बाइक में रख लें। दोनों देखिए बराबर हो गया ये, ठीक। थोड़ा मिलाने में टाइम लगता है दोस्तों, बस 5 मिनट में आप लोग बनकर तैयार हो जाएगा। प्ले करते हैं, देखिए ये देखिए दोस्तों, इतना जानदार वीडियो है। इसको बनाने के बाद आपका इतना तेज़ी से वायरल हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को सब VFX स्टार समझने लगेंगे, क्योंकि VFX जो आजकल के छोटे बच्चे हैं और भी तमाम लोग हैं गेम खेलने वाले, उन लोग को बहुत पसंद आता है ऐसा वीडियो, इसलिए वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फिर मीडिया में जाइए दोस्तों, और आप लोग को जो लाल ग्रीन पर्दे में आप लोग ने जो स्टाइल वाला वीडियो शूट किया है ना, मैंने तो मेरे पास पर्दा नहीं था फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने लाल पे कर लिया था इसको। मेरा लाल पर्दा था दोस्तों, तो आप लोग ग्रीन पर्दे पे करिएगा। फिर क्रोमा की को इसमें ओपन करना होता है, जिस रंग का आपका होता है आप इसको क्रॉप कर लीजिएगा दोस्तों, जो बाकी जो भाग है उसको आप लोग काट दीजिएगा ये से क्रॉप करके, क्रॉपिंग में जाके, पर जितना आपका शरीर है उतना रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, आपको क्रोमा की को इनेबल करना होगा दोस्तों। क्रोमा की को इनेबल करने से क्या होगा, आपका जो कलर है पीछे का पर्दे का वो आपका हट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बस इसमें क्या है, आपको ऊपर नीचे का जो डॉट दिख रहे हैं नंबर परसेंटेज, इसको आपको मिलाना पड़ेगा जब तक कि पर्दे हटने जाएँ, और नीचे अगर नहीं एडजस्ट हुआ तो नीचे जो की कलर है दोस्तों उसमें मेरा लाल है। आप लोग का अगर जैसा पर्दा होगा ग्रीन होगा तो ग्रीन करिएगा, और ये कर्व डिटेल में भी, क्रोमा की कर्व डिटेल में भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको उठा के दोस्तों ऐसे कर दीजिएगा बाइक के ऊपर, ठीक बैठा दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, बाइक के ऊपर बैठा दीजिएगा। बाइक थोड़ा अगर पैर के हिसाब से नहीं मिले तो बाइक को भी खिसका दीजिएगा दोस्तों, जैसे मैं बाइक को खिसका दिया है। उसके बाद आप लोग के क्या करना है, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिएगा बाइक को, ताकि बाइक पैर से आगे आ जाएगा। दोनों बाइक को ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिएगा ताकि दोनों बाइक पैर के आपके आगे आ जाए। अब ये वीडियो आपका दोस्तों रेडी हो गया है। एक्टिंग थोड़ा हिसाब से करिएगा दोस्तों, हाथ हाथ लेगा किस फ्लाइंग किस करिएगा, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है दोस्तों, बस 5 मिनट का काम, उसके बाद आपका वीडियो इतना तेज़ी से वायरल। दोस्तों आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझको, मेरा टिकटॉक आईडी है mr.sonujaiswal, उसमें आप लोग देखिएगा, मुझको मैसेज कीजिएगा कोई भी नया वीडियो देखे, ताकि मैं उस पर भी VFX वीडियो बना सकूँ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बना लें, और जहाँ इसको शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा इसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि जो पटरी है ना, पटरी की वजह से एडजस्ट नहीं हो पाता है। हम लोग को मेरा ग्रीन पर्दा नहीं था तो थोड़ा सही नहीं हुआ, लेकिन ख़ास करके क्रोमा की के लिए तो ग्रीन पर्दा होना चाहिए, तभी वीडियो बहुत अच्छी तरह से हो। तो जब थ्री डॉट है दोस्तों, उस पर क्लिक करके, बाइक पर क्लिक करके थ्री डॉट पर जो ब्रिंग टू फ्रंट होता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पैर से आगे आ जाएगा बाइक, और आपका पैर पीछे चले जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो रेडी हो गया दोस्तों, आप लोग इसका प्ले करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यह वीडियो इस तरीके से देखिए। बस एडजस्ट कर लीजिएगा बस दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी जो पार्ट है उसको काट दीजिएगा आप लोग कैंची से, ट्रिम टू राइट ट्रिम टू लेफ्ट करके काट दीजिएगा जो जो आपका नहीं है। बाइक को पटरी पर वह हिसाब से मिलाइएगा ताकि असली दिखे दोस्तों। ये दोस्तों देखिए मेरा वीडियो तो तैयार हो गया दोस्तों, और आप लोग का बाकी जो भाग है ये याद रखिएगा, आपका जो पर्दा वाला जो आपने वीडियो शूट किया ये आपका पूरा लास्ट तक होना चाहिए दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं, जितना आपने शूट किया है वहाँ तक भी आप काट सकते हैं। मैंने इतना ही शूट किया था तो मैं यहाँ से काट देता हूँ, कम कर देता हूँ इसको। कैंची से भी काट सकते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस है वो हाथ से ऐसे खिसका के भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर जो थ्री डॉट दिखेगा, ये देखिए इस तरीके का मेरा वीडियो बन गया एकदम परफेक्ट दोस्तों। आप मेरे यूट्यूब उस पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारा लाइक भी मिल गया है दोस्तों। और आप लोग के क्या करना है, ऊपर जो है आपको जो सेव करने वाला ऑप्शन होगा जहाँ से, वहाँ से 700x20 पे, 720x पे आप लोग का, आप लोग को क्या करना है बस इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो सीख